लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। पारो का नाम इस वक्त यूपी की राजनीति में अपने आप बड़ा हो गया। कभी इस लड़की ने प्रियंका गांधी से कहा था कि मैं नेता बनना चाहती हूँ। महिलाओं को 40% सीट देने का ऐलान करते वक्त प्रियंका गांधी ने कुछ लड़कियों और महिलाओं का नाम लिया। इनमें से ही एक नाम पारो का है। ऐसे में यूपी तक की टीम प्रयागराज स्थित पारो के घर पहुंची। इस दौरान हमने पारो से बात भी की। उसने याद किया कि तब प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। 2019 में दीदी बनारस इलाहाबाद से बनारस जल यात्रा के लिए निकली थी। यहाँ सिरसा घाट जब आई थी तब मेरी दीदी की मुलाकात हुई थी, तो मेरी दीदी की बात यही हुई थी, दीदी अपने पास बुलाई, मेरा नाम पूछी, मेरा गांव पूछी, मेरा क्लास पूछी। उस टाइम मैं 8 क्लास में पढ़ती थी, इस टाइम 10 में हूँ। और क्या कहते हैं, दीदी हमको बहुत सारा बात बताई कि मैं बोली दीदी मेरा स्कूल मतलब कि ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पर बड़ा स्कूल हो, छोटे बच्चे गरीब बच्चे के यहाँ पढ़ सकें, और जैसे हम लोग भी है गरीबी है हम लोग भी पढ़ सके। तो दीदी बोली कि चलो ठीक है हम ये कर देंगे। और क्या कहते हैं, हाँ सिरसा का पुल मांग हुआ था, वो भी दीदी बोली थी कि हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। और क्या कहते हैं, दीदी अपने पास बुलाई, बोली थी कि पारो बनारस तक चलना है, तो मैं अपने माता पिता के डर के मारा मैं नहीं गई दीदी के साथ। पारो के बड़े पिता हैं जिन्हें इस बात की उम्मीद है कि प्रियंका गांधी एक दिन पारो को बुलाएंगी, जब वो बुलाएंगी तब पारो चली भी जाएगी। 2019 में जब जल यात्रा पर आए हुई थी तो ये हमारी छोटी बच्ची जो है उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने जो है इसको बहुत स्नेह दिया और उन्होंने इसके बारे में बोला कि बच्चा अगर तुम पढ़ना चाहते हो, और तो उसने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कि किस क्लास में पढ़ते हो, तो इसने बताया कि मैंने कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा भी और आगे पढ़ने का इरादा है, तो उसने कहा कि हाँ। इस समय भी हाई स्कूल में पढ़ रही है, पास करके रुकी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको दिल्ली बुलाना चाहते हूँ, तुम आओगे। उसने कहा अगर मम्मी पापा ने आर्डर दिया तो हम जाएंगे, आ जाएंगे आपके पास। तो अभी वो इंतज़ार कर रही है, अभी 11वीं में फिर भी नाम एडमिशन ले लिया है, अगर प्रियंका जी बुलाएंगी तो जरूर जाएगी। वहीं एक और पारो की माँ है जिन्हें सिर्फ इस बात की खुशी है कि प्रियंका गांधी ने उनकी बेटी का नाम ले लिया। ये खुशी उनके चेहरे पर भी दिखाई देती है। हाँ बहुत खुशी है, मेरी बेटी का नाम लिया बहुत खुशी मिली, मेरे परिवार के गाँव देश के खुशी मिली। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नाम तो ले लिया, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये मुस्कान और उम्मीद कब तक चेहरों पर बरकरार रहेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।